हे गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, ओके, जो कि आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे जो भी होंगे, उनको ये भी पता करना है कि यार एलबी पर मीटर क्यूब में, एलबी पर फिट क्यूब में आपका कन्वर्जन क्या होता है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब का जो कन्वर्जन एलबी पर फिट क्यूब में जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं उसका कन्वर्जन, लिख देता हूं। सो इसका जो कन्वर्जन है दैट इज 0.624, ओके, 0.624 एलबी पर फिट क्यूब इतना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज नथिंग बट जो भी आपका मास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला हम रो से डिफाइन करते हैं। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में इस पर्टिकुलर चीज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ओके। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डेंसिटी पता होना बहुत जरूरी है। डेंसिटी होती क्या है? दैट इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। और एक क्यों इंपॉर्टेंट होती है डेंसिटी, अगर आपको पता है तो आप उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके? सबसे पहली बात ये है। सो डेंसिटी वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल विल हेल्प टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाई करने है फॉर व्हाट, फॉर पर्टिकुलर, किसी भी कितने भी स्पेस के लिए अगर आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है तो आपको डेंसिटी पता रहना बहुत जरूरी है। क्लियर? नाउ सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे, मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में एक बंदे ने मैसेज किया था कि दैट इज, मैंने टॉपिक पूछे थे तो उन्होंने फर्स्ट टॉपिक ये आया था, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, ओके। सो सबसे पहला जो फर्स्ट मटेरियल है वो है हमारा कॉन्क्रीट। ठीक है, सो कॉन्क्रीट की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। एस्फाल्ट जो हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं उसकी रहती है 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ब्रिक्स जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं उसकी वेरिंग होती है 1500 से 1700 किलोग्राम पर, जैसे उसका ब्रिक का साइज वेरी होता है उसी तरीके से उसकी डेंसिटी भी वेरी होती है। ठीक है, लेकिन उसकी डेंसिटी 1500 से 1700 के बीच में होती है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको भी नोट करके रख दीजिए। क्ले, सॉरी, सीमेंट, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 1400, 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्ले या सॉइल जो उसकी डेंसिटी होती है दैट इज 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीमेंट मोर्टार जो सीमेंट पेस्ट होती है, ठीक है, उसका आपका होता है 2080 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रेनफोर्स कॉन्क्रीट मतलब जो कॉन्क्रीट में जो स्टील हम डालते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। जिप्सम जो ड्यूरिंग सीमेंट को, सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाता है, डिले करता है, उसको वो बोलते हैं जिप्सम, जो जिसकी डेंसिटी रहती है 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन सैंड, सैंड की जो डेंसिटी है वो रहती है आपकी 1650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कंक्रीट ब्लॉक की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेवल जो हम यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसकी रहती है 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वुड की डेंसिटी वेरी होती है फ्रॉम 400 टू 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी रहती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्लास की रहती है 2580 ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे 15 ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और जो मटेरियल आएंगे तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल मेरे पास इतने मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो अगर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपको ये पता है तो आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, मतलब पर्टिकुलर स्पेस के लिए उस मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ब्रिक, ओके, आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके, उस एरिया में आपके कितने ब्रिक्स बैठेंगे वो आपको निकालना है, तो आप डेंसिटी का यूज करके आप निकाल सकते हो। जैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टील का वेट निकालते तो उस टाइम में हम स्टील की डेंसिटी यूज करते हैं 7850, ओके। तो ये सारी चीजें यूज होती है ताकि आप उसका क्वांटिटी निकाल सके मटेरियल्स की, और बहुत सारी, जैसे मास निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, ये सारी चीजों के लिए आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, ओके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपका आभारी हूं कि आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे
लाइक देते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हो, लेकिन मैं आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसमें कंटिन्यूशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो प्लीज गाइस अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अपना ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।